हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो होस्ट। तो आज मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, स्ट्रॉन्ग पोकेमोन क्या होता है? क्या जिसको बहुत सारे अटैक्स आते होंगे क्या वो स्ट्रॉन्ग होगा? तो अगर किसी पोकेमोन को बहुत सारे अटैक्स आते हैं तो उसे अगर हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, तो जोटो सीरीज के एपिसोड 248 में बैटल पार्क में एक ऐसा चार्जर दिखा था जिसे कि उसके मूव सेट के सारे अटैक्स आते थे, लेकिन वो हार गया एक टोटोडाइल से। और अगर तुम कहते हो स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का मतलब होता है जिसने बहुत सारे बैटल किए हों, उसे बहुत एक्सपीरियंस हो, तो तुम इस बार भी गलत हो, क्योंकि चार्लाइक ट्रांसपोर्टेशन पोकेमोन से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन उसने तब भी इजीली ऐश के चार्जर को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। तो ना एक्सपीरियंस, ना ज्यादा अटैक्स और ना ही बहुत सारी बैटल्स करना, ये सब बिल्कुल बेकार चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होती है रो पावर। तो रो पावर का मतलब है नेचुरल टैलेंट। तो ऐश के चार्जर के पास अगर मैं कहूँ तो कैंटो से ओरेंज तक की जर्नीज में बिल्कुल भी नेचुरल टैलेंट नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि चार्जर का नेचुरल टैलेंट होता है सबसे पहले तो उनकी ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ, उसके बाद उनकी तेज स्पीड उड़ने में, और उसके बाद लास्टली उनके तेज ग्लो। तो ऐश का चार्जर सिर्फ और सिर्फ अटैक के बेसिस पर लड़ाई कर रहा था, और कैंटो से ओरेंज तक उसने जितने भी पोकेमोन से लड़ाई की वो सब काफी हल्के थे। मैगमार, इलेक्टबल्स, पोलियोरेथ, ये सब जैसे 40 से 50 किलो के हैं और इन सबको उठाया जा सकता है इजीली। तो अब सच बोलूं तो ऐश का चार्जर असलियत में नॉर्मल चार्मेंडर्स के मुकाबले वीक था शुरुआत में, और वो चार्जर बनने के बाद भी नॉर्मल चार्जर से वीक रहा। तो रीजी के चार्मेंडर ने अपनी फर्स्ट स्टेज पे ऐश के सारे फर्स्ट स्टेज पोकेमोन जो नहीं कर पाए थे वो कर दिया। इसने इजीली एक मेटल की दीवार को अपने क्लोज से काट दिया। तो ऐश के चार्जर की हाइट ओरेंज आइलैंड्स में 5 फुट 7 इंच थी, यानी कि इवन ड्रेक से भी छोटी, और उसने होयन से यूनोवा टक के टाइम पे अपनी हाइट को 7 फुट 1 इंच तक कर लिया। तो चेसविक वैली में अगर तुम सोचते हो कि अटैक पावर, ड्यूरेबिलिटी ऐसी चीजें बढ़ती हैं, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो लीजा जिम लीडर क्लियर, यानी कि 8वें जिम लीडर जितनी स्ट्रॉन्ग बताई गई है, और ये चाहकर भी अटैक पावर या ड्यूरेबिलिटी में किसी भी पोकेमोन को 8वें जिम लीडर लेवल के पोकेमोन से ऊपर नहीं पहुंचा सकती। जैसे एलीट फोर लोरेली, जो कि कैंटो की सबसे कमजोर एलीट फोर है, उन्होंने अपना सबसे कमजोर पोकेमोन स्लोब्रो यूज किया, और स्लोब्रो की मदद से उन्होंने इजीली ऐश के चार्जर को 1 अटैक नॉकआउट कर दिया। तो ऐश के चार्जर ने एलीट फोर से लड़ने से पहले 19 मुकाबले किए हैं, लेकिन तब भी वो उनके सबसे कमजोर पोकेमोन से हार गया एक अटैक में। तो जो अटैक पावर का ये काम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर ही बढ़ा सकता है पोकेमोन की अटैक पावर, पोकेमोन की बिना ट्रेनर के बढ़ ही नहीं सकती। तो एलीट फोर प्रीमा ने काफी इजीली ऐश के सारे पोकेमोन्स को हरा दिया, और इवन एलीट फोर फ्लिंट ने तो ऐश के इन्फर्नो को लिटरली 1 अटैक नॉकआउट कर दिया था। तो ऐश के चार्जर की अटैक पावर यूनोवा में जब वो पूरी ट्रेनिंग करके आ गया, तब भी एक एलीट फोर लेवल की नहीं हुई, वरना वो पायरस के ड्रैगनाइट को लिटरली 1 अटैक नॉकआउट कर सकता था। तो ऐश के चार्जर की अटैक पावर अभी तक 8वें जिम लीडर से ज्यादा की नहीं हुई है, पर अब ऐश के चार्जर में नेचुरल टैलेंट बहुत सारा है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि चेसविक वैली में ट्रेनिंग कैसी होती है। तो जैसा कि तुम जानते हो, चेसविक वैली में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग चार्जर रहते हैं, इनसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ किसी भी चार्जर की नहीं हो सकती। तो चेसविक वैली के चार्जर रो पावर में बहुत ज्यादा होते हैं नेचुरल टैलेंट में, जैसे कि चार्जर्स देखो फायर को पूरी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इन चार्जर्स की अटैक पावर एलीट फोर लेवल की नहीं है, इसलिए ऐश के चार्जर को कुछ भी नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे दुनिया के सबसे ताकतवर फिजिकल अटैकर्स रहते हैं, तो देख सकते हो इन चार्जर को लिटरली अपने अटैक्स यूज करने की जरूरत भी नहीं है, इसी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पे चार्जर को बहुत दूर फेंक सकते हैं। और तुम देख सकते हो इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे कि इस चार्जर ने इजीली ऐश के चार्जर को इतनी तेज दीवार में दे मारा और एक किक। तो चेसविक वैली के चार्जर को फ्लेम थ्रोवर के अलावा कोई अटैक नहीं आता, लेकिन तब भी उन्होंने इजीली ऐश के चार्जर को हरा दिया, इवन चार्ला ने हरा दिया। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि चेसविक वैली के चार्जर्स ने अपने नेचुरल टैलेंट पे पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। तो नेचुरल टैलेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि एक सैंडाइल है जो कि एक शहर में एक ट्रेनर के पास हैच हुआ है, और एक सैंडाइल है जो कि एक रेगिस्तान में पैदा हुआ है। तो जो शहर में पैदा हुआ है वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की होगी, और जो रेगिस्तान में पैदा हुआ है वो रेतीले तूफानों में भी देखने की कैपेबिलिटी रखता होगा, और उसका साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि वो अपने क्लाइमेट में पैदा हुआ है जहाँ पे रहने के लिए वो बना है। तो जो ये जंगली सैंडाइल है, ये अटैक्स वगैरह में अच्छा नहीं होगा, ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा और इसके अंदर नेचुरल टैलेंट भी बहुत होगा, लेकिन ये शहर वाले से अटैक्स में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शहर वाले को ट्रेनिंग मिली है। तो ऐसा ही है, चेसविक वैली के चार्जर्स अटैक में ऐश के चार्जर्स को हरा नहीं सकते अगर ऐश ने उसे ट्रेन किया होता, लेकिन ऐश ने अपने चार्जर्स को कभी ट्रेन नहीं किया, ये बात उसने बहुत गलत की। उस दिन ऐश की रेपुटेशन बच जाती, ऐश का चार्जर चेसविक वैली के चार्जर्स को हरा देता अगर ऐश ने उसे लिटरली थोड़ा सा भी ट्रेन कर लिया होता, लेकिन ऐश तो बिल्कुल ट्रेन ही नहीं करता था अपने पोकेमोन को कैंटो और ओरेंज के टाइम तक, इसलिए उसे हारना था। तो ऐश के चार्जर ने चेसविक वैली में जाकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, जैसे कि वो ठीक से ऐश को लेकर भी उड़ नहीं पा रहा था चार्जर बर्निंग एंबिशन एपिसोड में, लेकिन वो जब जोटो में आया लीग में, तो उसने इजीली गोलम को उठा लिया 300 किलो के। तो नेचुरल टैलेंट पे कितना वर्क हुआ तुम सोच सकते हो। और जब ऐश का चार्जर यूनोवा में आया, तो वो एक कंपेरेबल स्पीड में उड़ पा रहा था एक ड्रैगनाइट के, और ड्रैगनाइट की स्पीड साउंड की स्पीड जितनी तेज होती है, और ऐश के चार्जर ने स्लैश अटैक भी सीख लिया वहां पर। तो लिटरली ऐश के चार्जर के पास तीनों चीजें आ गई, तेज स्पीड उड़ने में, उसके साथ ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ, उसके बाद तेज ग्लो, और साथ ही साथ अपनी फायर को भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना सीख गया था ऐश का चार्जर। तो ऐश का चार्जर लिटरली अगर हम देखें तो नॉर्मल चार्जर से वीक था शुरुआत में, जैसे कि ऐश के चार्जर की हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी, जबकि एलान के चार्जर की हाइट पहले से ही 6.5 फुट थी, लेकिन अब तो ऐश के चार्जर की हाइट ज्यादा हो गई है। और अटैक पावर जैसा कि मैंने कहा, 8वें जिम लीडर जितनी स्ट्रॉन्ग है लीजा, तो वो अटैक पावर ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती। और जहां तक बात रही ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी पूरी तरह से पोकेमोन और उसके ट्रेनर के बीच की ट्रस्ट पर डिपेंड करती है, अब तो एनिमे में यही चल रहा है। जैसे कि ऐश का ड्रैगनाइट बिल्कुल पिट कर भी हरा देता है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को, और ऐसा ही सेम एलान के चार्जर के साथ भी है, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट बहुत था, इसलिए तो ड्रैगन एसेंट जैसे अटैक्स को भी सह गया। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए तो पूरी तरह ऐश जिम्मेदार है, चार्जर के साथ उसने टाइम नहीं बिताया जाता।
तो अगर तुम सोचते हो कि ऐश का चाइजार्ड अल्टीमेट ट्रेनिंग कर रहा था जैसे वैली में, तो वो कोई अल्टीमेट ट्रेनिंग नहीं थी, वो सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट पर काम कर रहा था जो कि उसके पास बचपन से होना चाहिए था, लेकिन उसे बचपन में नहीं मिल पाया। तो ऐश का चाइजार्ड नॉर्मल चाइजार्ड के कंपेयर में आया जैसे वैली की ट्रेनिंग करने के बाद। उसकी रो पावर तो काफी ज्यादा अच्छी बढ़ चुकी है ऐश के चाइजार्ड की। और अगर तुम सोचते हो कि ऐश का चाइजार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए तो उसे ऐश पे डिपेंड होना होगा, क्योंकि ऐश अब एक चैंपियन लेवल का ट्रेनर बन चुका है और ऐश उसे ट्रेन कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन ऐश नहीं करता। तो जिसने भी कहा था चेस विक वैली में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चाइजार रहते हैं, तो चेस विक वैली में दुनिया के सबसे ताकतवर वाइल्ड चाइजार रहते हैं, क्योंकि एक नेचुरल प्रिजर्व है। क्योंकि चेस विक वैली का चाइजार्ड ऐश के चाइजार्ड को एक फ्लेम थ्रोवर में नॉकआउट नहीं कर पाया, इजीली उड़ गया था चाइजार्ड। और एक एलीट फोर लेवल का चाइजार्ड जो कि एलान का चाइजार है, उसने एक मेगा चाइजार्ड वाई को जस्ट वन अटैक नॉकआउट किया है। तो चेस विक वैली के चाइजार्ड एलीट फोर की पावर के कंपेयर में भी नहीं आ सकते। अगर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस चाइजार्ड की है, सबसे ज्यादा तेज कौन सा चाइजार्ड हो सकता है, या फिर सबसे बुरी तरह चीजों को तोड़ कौन सा चाइजार सकता है, तो वो जरूर चेस विक वैली के चाइजार्ड कर सकते हैं। लेकिन अटैक की बात हो तो एक वेल ट्रेंड पोकेमोन सबसे बेहतर होता है। और चेस विक वैली के चाइजार्ड ज्यादा बड़े क्यों होते हैं उसके लिए मैं बता सकता हूँ। जैसे कि ये सुनो, जैसे हमारे यहाँ का क्लाइमेट गर्म है इंडिया का, तो यहाँ के बंगाल टाइगर्स तुम देख सकते हो कैसे होते हैं, लेकिन साइबेरिया का क्लाइमेट ठंडा है, वहाँ के टाइगर तुम देख सकते हो कंपेयर करके इन दोनों को। तो राइट वाला हमारा इंडिया का टाइगर है और लेफ्ट वाला साइबेरियन टाइगर है। तो टाइगर्स गर्म खून वाले जानवर होते हैं, इसलिए ठंडे क्लाइमेट में ये ज्यादा बड़े और ताकतवर हो सकते हैं। ऐसा ही सेम तुम भालुओं के साथ भी देख सकते हो, जैसे कि ग्रिजली बेयर गर्म क्लाइमेट में रहता है तो वो छोटा है, लेकिन अगर वो ठंडे क्लाइमेट में चला जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो ठंडे क्लाइमेट में गर्म खून वाले जानवर जाएंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। और जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि चाइजार्ड छिपकलियां, ऐसी चीजें ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, तो ये गर्म क्लाइमेट में जाके बड़े होते हैं। और चेस विक वैली यूनियन केव के पास है, जो कि अजेलिया टाउन के पास है, मतलब कि अजेलिया टाउन में पूरे टाइम अकाल पड़ा रहता है और ये बहुत ही ज्यादा गर्म एरिया है। तो गर्म एरिया में तो चाइजार्ड्स की हाइट बड़ी होनी ही है, क्योंकि वो एक ठंडे खून वाला जानवर है। तो चेस विक वैली पूरी तरह से नेचुरल टैलेंट पे काम करती है पोकेमोन के। और अगर पोल चाइजार्ड को ट्रेन करता तो वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बना पाता ऐश के चाइजार्ड को, क्योंकि पोल भी एक नेचुरल टैलेंट बेस्ड ट्रेनर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को पकड़ता है, कमजोर पोकेमोन्स को उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऐश के और भी बहुत से पोकेमोन जैसे कि ट्रिको, उसके बाद फ्रोकी, उसके बाद हाउलूचा और लास्टली ऐश का ड्रैगनाइट, तो ये सब पहले से अपने नेचुरल टैलेंट पे महारत हासिल कर चुके हैं। तो ऐश के सेप्टाइल, फ्रोकी, ड्रैगनाइट इन सब के पास अपनी बिरादरी में रह के बहुत सारा नेचुरल टैलेंट पहले से है, इन्हें अपनी चीजों का यूज करना अच्छी तरह आता है। तो ऐश का चाइजार्ड भले ही अपनी बिरादरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ना हो अटैक पावर में, लेकिन वो रो पावर वाइज अपनी बिरादरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हो सकता है। हो सकता है कि वो रो पावर में सबसे ताकतवर चाइजार्ड हो, क्योंकि एलान के चाइजार्ड ने जितने भी क्लो अटैक्स या फिर जितनी भी स्ट्रेंथ दिखाई है या ज्यादा तेज उड़ाई ग्रीनिंग की बराबरी की है, ये सब मेगा वेल्यूशन के साथ किया है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में उसका नेचुरल टैलेंट इतना नहीं है ऐश के चाइजार्ड जितना। तो ऐश का चाइजार्ड नॉर्मल फॉर्म में एलान के चाइजार्ड को डोमिनेट कर सकता है स्ट्रेंथ वगैरह में, लेकिन फाइनल्स में जीतेगा एलान का चाइजार्ड, क्योंकि उसके पास अटैक पावर ज्यादा है ऐश के चाइजार्ड से और ड्यूरेबिलिटी भी। तो ऐश को चाइजार्ड के साथ जल्द से जल्द अटैक पावर या ड्यूरेबिलिटी वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा एकदम वर्ल्ड चैंपियन लेवल का। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।